तो कल जो दोहा बताया था उसमें कोई अंतर आपको लगे भाई ये चीज है तो मुझे बता देना, बाकी चीज वही है, सिर्फ आपको समझना है, शब्दों पे ध्यान देना है, क्योंकि गुरुदेव की महिमा का बखान किया है, गुरु कैसा होना चाहिए उसके विषय में दिया है, शिष्य कैसा होना चाहिए उसके विषय में भी बताया है, और गुरु जैसा उपकार करने वाला इस संसार में और कोई नहीं मिल सकता ये भी बताया है। तो देखिए क्या दिया है कि सतगुरु सवान को सगा, अर्थात सच्चे गुरु के समान कोई और सगा संबंधी सच्चा है तेजी और कोई नहीं हो सकता। जितना भला गुरु चाहता है ना अपने शिष्य का, उतना भला और कोई नहीं चाहता है। चाहे शिष्य को देखने में ऐसा लगे, ऐसा महसूस करे कि गुरुजी मुझसे नाराज है, लेकिन नाराज होने का कारण जो है ना, या तो आप में कुछ गलत प्रवृत्ति है और या फिर आपके अंदर कुछ दोष है जिनकी वजह से वो आपको अच्छे संस्कार में ढालना चाहता है, लेकिन बच्चा उस बात को नहीं समझ पाता है। तो क्या दिया है, सतगुरु सवान को सगा, कि सच्चा गुरु है ना वो सगा संबंधी के समान, अर्थात क्या दिया है को सगा, कोई सगा नहीं है, सच्चा हितैषी मित्र जो भी है ना कोई सगा संबंधी नहीं है, जितना सगा जितना सच्चा हितैषी कौन है, गुरु। क्या दिया है, सोदी सही न दाती, सोदी कल मैंने आपको बताया था, सोदी माने है बुद्धि, क्योंकि वो क्या करता है कि अपने गुरु को सोदी अर्थात बुद्धि प्रदान करता है, और दूसरे सोदी का मतलब क्या है, शोध करके खोज करके ज्ञान को, कि ज्ञान को खोज करके सही ना दाती, कि वो ज्ञान को खोज कर अपने शिष्य को क्या करता है, बुद्धि अर्थात ज्ञान प्रदान करता है। तो बताओ उससे बड़ा दानी और कौन है जो प्रयास करता है, है? बुद्धि को खोजता है, ज्ञान को खोजता है, और उसके बाद वो क्या करता है, अपने शिष्य को ज्ञान प्रदान करता है, तो उससे बड़ा दानी और कोई भी नहीं हो सकता। क्या दिया है, हरि जी सवान को हेतु, हरि जी सवान इसका मतलब है हरि, हरि माने परमात्मा, कि जैसे परमात्मा को सभी क्या होते हैं, हेतु, जैसे परमात्मा सबका हेतु चाहता है, परमात्मा जैसे सबका भला चाहता है ना, हरि जू सवान को हेतु, इसका मतलब कि जिस प्रकार हरि अर्थात परमात्मा सबका भला चाहता है ना, ठीक उसी प्रकार गुरु भी सबका भला चाहता है, किसी का बुरा नहीं चाहता है। क्या दिया है, हरिजन सैना जाति, हरिजन, अब यह हरिजन जो शब्द है वो जात विशेष से मत लेना है, हरि का मतलब है प्रभु परमात्मा और जन का मतलब है लोग, कि जो प्रभु के द्वारा परमात्मा के द्वारा बनाए हुए लोग हैं, कौन से लोग, जो भक्त लोग हैं जो परमात्मा को याद करते हैं, उन लोगों की ओर इशारा है कि हरिजन सैना जाति, कि भगवान के द्वारा बनाई हुई जो जाति है, जो लोग है ना जो भगवान को याद करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं ना, उस जाति के बराबर अर्थात ऐसे भक्त लोगों के बराबर और कोई जात नहीं है। उसका कहने का मतलब है कि भाई जात विशेष की ओर संकेत किया है, कि कोई जाति को मैं देता है तो मैं जाति नहीं मानता, क्योंकि सारी जाति मेरे द्वारा बनी हुई है, समझ लो। तो क्या दिया है, हरिजन सैना जाति, इसका मतलब परमात्मा के द्वारा बनाए हुए जो लोग हैं ना, और उन लोगों में कौन सी जाति है, जो भक्त लोग हैं, जो भगवान को परमात्मा को याद करते हैं ना, उससे बड़ी जाति में किसी को नहीं मानता, कबीर दास जी कहते हैं। अब देखिए इसमें से शब्द कई बार आया है, देखो सतगुर सवान सगा सोदी सही, पांच बार आ गया, इसका मतलब है कि जहां जो शब्द है शब्द की पुनरावृत्ति बार बार होती है, दो से अधिक बार आता है तो फिर वो वृत्ति अनुप्रास में जाएगा, जहां दो तक आता है वो छह का अनुप्रास में जाएगा, समझ रहे हो आप। तो अनुप्रास का प्रयोग किया गया है, आगे क्या दिया है कि बलहरी गुर आपने दो हांडी के बाद, सुनो मैं जो बोल रहा हूं, बलहरी गुर आपने, इसका मतलब कि जो गुरुजी हैं उनके बलहारी होना चाहता हूँ। क्यों होना चाहता है शिष्य बलहारी, क्योंकि गुरुजी ने जो कार्य किया है ना वो सराहनीय है, इतना उपकार कर दिया गुरुजी ने मेरे ऊपर कि मैं गदगद हो गया, कृतज्ञ
कृतज्ञ हो गया। इसका मतलब कि बलहारी गुर आपने धो हांडी के बाद, धो का मतलब होता है दिवस दिन, और हांडी का मतलब है हांडी, इसका मतलब हांडी जो हांडिया मटकी बोलते हैं ना अपन, वो हांडी है। इसका एक अर्थ तो यह है कि जैसे दिन में मटकी चूल्हे पर कई बार चढ़ती है ना, ठीक वैसे मैं भी इस जो हाड़ मास की जो हांडी रूपी शरीर है ना, इसको कई बार दिन में गुरु जी के चरणों में समर्पित कर दूं, अर्थात अपने आप को नौछावर कर दूं ना, जब भी मैं उसकी बराबरी नहीं कर सकता। क्या दिया है बलहारी गुरु आपने, कि मैं बलहारी जाता हूं गुरु जी आपके, क्योंकि आपने मेरी जीवन नैया को बेड़ा पार लगा दिया दो हांडी के बाद। इसीलिए वो दिन में कई बार गुरु जी के बलहारी नौछावर होना चाहता है। क्या दिया है जिन मानस दे देवता, वो क्यों होना चाहता है, कारण क्या है उसका, जिसमें दिया है कि मैं एक आम मनुष्य था, जैसे आप लोग हैं ऐसे मैं भी मनुष्य था, लेकिन मनुष्य से मुझे क्या बना दिया, देवता, अर्थात जो बुरे संस्कार थे उनको तो निकाल दिया और उनकी जगह अच्छे संस्कार डाल दिए जैसे देवताओं में होते हैं, तो मुझे मनुष्य क्या बना दिया, देवता, तो बहुत बड़ा उपकार कर दिया गुरुजी ने। इसीलिए करत न लागी बार, कि जिसने मुझे मनुष्य देवता करने में एक क्षण भी नहीं लगाया, बताओ तो फिर ऐसी गुरु के चरणों में मैं उनके ऊपर बलहारी अर्थात अपने आप को नौछावर कैसे नहीं करूं। इसीलिए बलहारी होना चाहता है, क्योंकि गुरु जी के किए गए उपकार बहुत सारे हैं अपने शिष्य पर। क्या लिया है सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार। अरे सच्चा जो गुरु होता है ना, कैसा दिया है सतगुरु की महिमा अनंत, कि जो सच्चा गुरु है उसकी महिमा अनंत है। हम जितना भी वर्णन करें उतना हम नहीं कर सकते, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कबीर दास ने लिखा है कि सब धरती कागज करूँ लेखनी करूँ बन रहा है, सात समुंदर मसी करूँ फिर भी गुण गुरु गुण लिखे ना जाए, तो सीधी बात है क्योंकि महिमा क्या है, अनंत है। क्या दिया सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, कि जो सच्चा गुरु होता है ना उसकी महिमा अनंत अपार है, कोई सीमा नहीं है। आगे क्या दिया अनंत किया उपकार, अरे मेरे ऊपर गुरु जी के द्वारा किए गए बहुत सारे कार्य हैं, उन्होंने मेरे ऊपर क्या कर दिया, उपकार कर दिया, बहाई कर दी मेरे ऊपर, इसीलिए तो मेरा जीवन सुधर गया, नहीं बाकी मैं भी नरक में जाता। इसका मतलब है कि जीवात्मा को गुरु ने क्या करा दिया, परमात्मा का ज्ञान करा दिया, और जब जीवात्मा का परमात्मा से ज्ञान हो जाता है तो फिर जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती है। क्या दिया है कि लोचन अनंत उगाड़िया, अर्थात बाहर की जो आंखें हैं उनको तो सीधी बात है कि हम भी देखते हैं, लेकिन देखने का मतलब है कि इन आंखों के साथ में अनंत लोचन दिया है, अनंत का मतलब है हृदय की आंखों भी खोल दी, क्योंकि सारे विषय विकार कहाँ भरे हुए हैं, अपने हृदय में। तो क्या दिया लोचन अनंत उगाड़िया, कि जो हृदय के अंदर अनंत जो लोचन है ना, जो आंखें हैं उन आंखों को भी मेरी आंखों को खोल दिया, अर्थात ये आंखों के साथ तो दूर लेकिन अंदर की जो आंखें हैं ना, हृदय का ज्ञान वो भी मुझे उसने करा दिया। अनंत दिखावन हार, और मुझे वो रास्ता दिखा दिया जो सीधा कहाँ जाता है, परमात्मा के पास जाता है ना, अर्थात अब जीवात्मा को परमात्मा का ज्ञान हो गया है, और वो ज्ञान कराने वाले कौन है, गुरुदेव है। इसीलिए गुरु की महिमा का बखान किया है। इसमें देखिए इस पद में तीन चार बार अनंत आया है, इसका मतलब है कि कोई शब्द एक से अधिक बार आए, और जितनी बार भी अधिक बार आए उसका प्रत्येक बार भिन्न अर्थ होता है, तो वो यमक अलंकार में चला जाता है। अब देखिए चौथा, राम नाम के परतरे, राम नाम के परतरे। अरे शिष्य ये कह रहा है कि जो गुरुदेव है ना, उन गुरुदेव ने मुझे क्या दिया है, राम नाम, अर्थात जैसे भाई कबीरदास का गुरु कौन है, रामानंद है, रामानंद ने भी राम शब्द दिया था, और उसी राम नाम शब्द को ही इन्होंने कबीरदास ने आधार बनाया। तो क्या दिया है कि राम नाम के परतरे देवे को कछु नाही। शिष्य कहता है अपने गुरु से कि हे गुरुदेव, कि आपने जो मुझे राम नाम दिया है ना, उस राम नाम के परतरे, परतरे का मतलब है बदले में मैं आपको क्या दूं। सीधी बात है कि गुरु
कोशिश क्या देता है, उल्टा बोल गया, मैं ये बोल रहा हूं कि शिष्य गुरु को क्या देता है, दक्षिणा। समझ रहे हो आप? अब बात यह है कि शिष्य के पास दक्षिणा नहीं है कुछ देने के लिए, क्योंकि गुरु के सामने सारी चीज तुच्छ है, उनका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि क्या दिया है, राम नाम के पद तरह कि हे प्रभु, हे सद्गुरुदेव, आपने जो मुझे राम नाम का दान दिया है ना, उसके बदले में मैं आपको कुछ देना चाहूँ ना, तो मेरे पास उसके बराबर पंड तरह का मतलब है, बदले में क्या दिया है, देवे को कुछ नहीं, कि मेरे पास आपको कुछ देने के लिए नहीं। अरे एकलव्य ने भी क्या किया था, गुरु द्रोणाचार्य ने, भाई गुरु दक्षिणा जब भी सफल होती है, गुरु शिक्षा जब भी सफल होती है, जब शिष्य के द्वारा दक्षिणा गुरु को दी जाती है, तो एकलव्य का अंगूठा भी तो कटवा दिया था, किसने, गुरु द्रोणाचार्य ने, क्यों, वो जानता है कि एक दिन ये बहुत बड़ा धनुर्धर बनेगा और अर्जुन को मार देगा, तो गुरु भी चालाकी कर जाते थे, गुरु भी भेदभाव कर जाते थे, क्योंकि एकलव्य क्या था, भील आदि वासी जो है उनका लड़का था, इसीलिए उसने सोचा कि यह अर्जुन को मार देगा, इसीलिए उसका अंगूठा कटवा दिया। तो दक्षिणा के विषय में उन्होंने ये बात बताई है, और क्या दिया है, क्या ले गुरु संतोष ये, हे गुरुदेव, कि आपने इतने सारे उपकार मेरे ऊपर कर दिए, कि मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा देकर संतुष्ट करूं आपको, क्या दिया है, होश रही मन माही, कि हमेशा मेरे मन में होश, होश का मतलब मन के भाव या मन की इच्छा, हमेशा मेरे मन के अंदर यही और इच्छा बनी रहती है कि प्रभु मैं आपने जो शिक्षा मुझे दी है ना, उस शिक्षा के बदले मैं आपको क्या दूँ, मेरे पास आपके तुल्य कोई चीज कोई वस्तु नहीं है। अपने मन का पछतावा हो रहा है कबीरदास को या फिर शिष्य को, क्योंकि गुरु की जो शिक्षा है उसके बराबर और कोई चीज मूल्य नहीं होता है। अब देखिए आगे क्या दिया है, सतगुर के सदके करूं, क्या दिया है, सतगुर के सदके करूं, सतगुर के सदके, सदके का मतलब क्या है, सदके का मतलब होता है नौछावर कर, कि मैं सदगुरु जो है ना, सच्चा जो गुरु है, उस सच्चे गुरु के मैं नौछावर होना चाहता हूँ, सदके करूं दिल अपनी की साक्ष, अर्थात अपने दिल को साक्ष मान कर, क्या दिया है, दिल अपनी की साक्ष, साक्ष का मतलब है गवाह, कि मैं दिल को मानकर सच्चे गुरु को क्या होना चाहता हूँ, सदके करूं, अर्थात अपने आप को उनके चरणों में मैं समर्पित कर दूं, क्या दिया है, कलयुग हमसे लड़ पड़ा, क्यों क्यों कही है शिष्य ने ये बात, अरे शिष्य ने इसलिए कही है क्योंकि गुरु ने जो काम किया है ना, उसकी वजह से मेरा जीवन बच गया, अगर गुरु नहीं मिलता तो मेरा जीवन नहीं बच पाता। आगे क्या दिया, कलयुग हमसे लड़ू पड़ा, अरे मैं कलयुग में जब आया तो कलयुग में क्या हुआ कि लोभ मोह माया स्वार्थ इन सब ने मुझे जकड़ लिया, माया ने, क्योंकि आदमी कब अपने रास्ते से भटकता है, जब ये सारी चीजें मनुष्य को घेर लेती है ना, तो भगवान को भूल जाता है, और भगवान को भूलने पर वो इनके जाल में फंस जाता है, क्योंकि माया महा ठगनी हम जाने, और त्रिगुण फांस लेकर डोले बोले मधुर वाणी, माया मीठी मीठी बोलती है और अपने जाल में फंसा लेती है। तो यहाँ वही चीज के लिए संकेत किया है शिष्य ने, कलयुग हम तू लड़ पड़ा मैं कब मेरा बाज, क्या दिया है, कलयुग हम तू लड़ पड़ा, अर्थात कलयुग, अर्थात मैंने संसार में जन्म लिया, और संसार में जन्म लेने के बाद कलयुग हमसे लड़ पड़ा, अर्थात लोभ मोह माया स्वार्थ है ना, सबने मुझे घेर लिया, लेकिन किसके कारण, मेरे गुरुदेव के कारण, मेरे ऊपर उनके कोई फर्क नहीं पड़ा, क्या दिया है, कलयुग हमसे लड़ पड़ा महकम मेरा बाज, महकम, महकम का मतलब है कि मेरा जो विश्वास था ना वो अड़िग था, जो गुरु ने मुझे शिक्षा दी है, जो गुरुजी ने मुझे संस्कार दिया है ना, वो संस्कार वो विश्वास मेरे अंदर अड़िग था, इसीलिए कलयुग में मैं इन सब चीजों से क्या कर लिया, लड़ लिया, और मैं लड़ लिया तो मैं जीत गया, अर्थात मैं भवसागर से पार हो गया, क्योंकि मुझे क्या हो गया,
जीवात्मा का परमात्मा का ज्ञान हो गया और सच्चे गुरु ने मुझे सारी चीज सारी शिक्षा पहले ही क्या कर दी, बता दी। इसीलिए सतगुरु के सदके कर, इसीलिए मैं सच्चा जो गुरु है ना उस गुरु के चरणों में अपने आप को नौछावर कर दूं तो भी कम। अब देखिए आगे क्या दिया है कि सतगुर लई कमान कर बहान लागा तीर, एक जुबाहा प्रीत सु भीतर रहिया शरीर। सतगुर लई कमान धन, कमान कमान का मतलब धनुष, कमान का मतलब धनुष, कि सच्चे गुरु ने कमान धनुष पर क्या चढ़ाया है, बहान लागा तीर। अब ये कोई तीर वैसा नहीं है, कोई धनुष वैसा नहीं है जिसमें धनुष पर बाण छाया और सीधा छोड़ दिया और सीधा शिष्य के कलेजे में लगा, शिष्य मर गया। वो बाण वो धनुष नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ क्या दिया, सतगुरु लई कमान करी, अर्थात सच्चे गुरु ने अपने हाथ में धनुष उठाया, समझ लो इसका मतलब है। जो दिया है ना कमान, कमान का मतलब धनुष, धनुष का मतलब है उद्देश्य, कि उसका उद्देश्य क्या है गुरु का। करी बाण लागा तीर, और बाण छड़ाया किस पर, धनुष पर, और उसने सीधा कमान पर ताना और वो सीधा छोड़ दिया। इसका मतलब शब्द रूपी बाण, कौन सा बाण, ज्ञान का बाण, ऐसा बाण नहीं छोड़ा है भाई गुरु, ऐसा बाण नहीं छोड़ा गया जिससे शिष्य की मृत्यु हो जाए। इसका मतलब है कि उसने ज्ञान रूपी बाण को अपने कमान पर खींचा और सीधा खींचकर छोड़ दिया, और वो सीधा जाके लगा अपने शिष्य के कलेजे में। इसका मतलब है कि अपने शिष्य के अंदर की जो कालिमा है, जो अज्ञानता है ना, उस सारे अज्ञान को समाप्त कर दिया किसने, ज्ञान रूपी बाण। क्या दिया है कि एक जो भैया प्रीत सु, एक जो भैया, भैया का बाह्य दिया है, बाह्य का मतलब होता है बहाना, बहाना का मतलब छोड़ना, प्रीतुसु का मतलब है प्रेम से, कि मारने के इरादे से नहीं छोड़ा, बाकी कैसे छोड़ा, प्रीतुसु प्रेम सु छोड़ा, किसने, गुरु ने, भीतर रहा शरीर और वो भीतर जैसे ही लगा गुरु जी के बाण, ज्ञान का बाण जैसे ही शिष्य के अंदर लगा, तो शिष्य के अंदर की, शरीर के अंदर की जो कालिमा थी, जो अज्ञानता थी ना, वो सारा का सारा मिटकर नष्ट हो गया। ये बात बताइए, अब देखिए आगे क्या दिया है। सतगुर साचा सूरमा शब्द जो बहाए, लागत ही में मिल गया पड़ा कलेजा छे। वही बाण की बात चल रही है, वही शब्द रूपी बाण और कमान की बात चल रही है। तो यहाँ दिया है सतगुर साचा सूरमा, इसका मतलब है सूरीवा, सूरीवे का मतलब है सूरवीर के समान है सच्चा गुरु। सूरवीर क्या करता है कि युद्ध के मैदान में वो भी अपने बाण चलाता है, अपने सीधे लक्ष्य पर भेदता है, दुश्मन की छाती में बाण ठोकता है। तो यहाँ ठीक उसी प्रकार क्या दिया है, सतगुर साचा सूरमा, कि जो सच्चा गुरु है ना वो एक सूरवीर के समान होता है, लेकिन उसका मकसद ये नहीं, जैसे सूरवीर का मकसद अपने दुश्मन को मारना होता है, यहाँ शिष्य जो है ना वो दुश्मन नहीं है गुरु का, अपना चेला है, इसीलिए वो शब्द रूपी जो बाण मारेगा ना वो कैसा होगा, ज्ञान का होगा। और दुश्मन उसके अंदर क्या दिखाया है शिष्य के अंदर, जो उसके अंदर अंधकार है, जो अज्ञानता है, उस दुश्मन को वो मार देगा। और जब अंधकार रूपी दुश्मन जब मर जाएगा, अर्थात अज्ञानता जब नष्ट हो जाएगी ना, तो फिर शिष्य एकदम सही हो जाएगा। तो क्या दिया है, सतगुर साचा सूरमा शब्द जो बहा एक, कि सच्चा गुरु है ना वो सूरवीर के समान होता है, शब्द जो बहा एक, और जो शब्द है अर्थात शब्द रूपी जो ज्ञान रूपी बाण है ना शब्द के, जब वो बहा एक, बहा एक का मतलब है कि शब्द रूपी बाण जब वो छोड़ता है सूरवीर के समान सदगुरु, तो क्या करता है, लागत ही में मिल गया, कि लगते ही मिल जाता है, क्या मिल गया, अर्थात जैसे ही शिष्य के कलेजे में वो बाण लगता है गुरु का,
तो लगते ही मिल गया, क्या दिया है, लागत ही में मिल गया पड़ा कलेजा छे, कि जैसे ही उसके कलेजे में जाके बाण लगा, बाण लगते ही उसको सब कुछ मिल गया, अर्थात अज्ञानता समाप्त होकर उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई और जीवात्मा को परमात्मा का ज्ञान हो गया, वो समझ गया कि गुरु जी ने मुझे क्या संकेत किया है। इस तरह से शिष्य और गुरु के बीच में, और गुरु किस तरह से शिष्य को अपने ज्ञान के माध्यम से कैसे पथ पर लाता है, वो सारी चीजें बताई हैं। अब देखिए अगला क्या दिया है कि सतगुरु मारा बाण भर धर कर सूदी मूठ, मूठी, मूठी का मतलब जानते हो, मूठ, मूठ शब्द तो सुना होगा, क्या होता है मूठ, मूठ जो होती है ना, मूठ क्या होती है, अरे मूठ जो सियाने या फिर सियानपत करने वाले लोग होते हैं ना, वो करते हैं इस काम को, तो उनका लक्ष्य होता है, उनका उद्देश्य होता है कि जिसको भी देनी है ना, वो सीधे उसके ऊपर देते हैं और वो देते ही अपना काम करती है। अब उसको बुद्धि भ्रष्ट मानो या धीरे धीरे वो मरणासन की ओर चला जाता है, वो चीज दी है, तो क्या दिया है, सतगुरु मारा बाण भर, कि सच्चे गुरु ने अपने शिष्य की तरफ बाण भर कर मारा, क्या दिया है, धर कर सूदी मूठ, धर कर सूदी मूठ, सूदी मूठ का मतलब है कि सच्चे गुरु ने अपने लक्ष्य पर सीधा बाण मारा, और कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य क्या दिखाया है, जो शिष्य है, शिष्य के अंदर का जो अज्ञान है ना, उस अज्ञान का नष्ट करना है, तो क्या दिया है, धर कर सीधी मूठ, कि जिस प्रकार मूठ होती है, मूठ अपने सीधे लक्ष्य पर जाके लगती है ना, ठीक उसी प्रकार गुरु ने क्या किया, अपने शिष्य पर सीधा निशाना साधा, क्या दिया है, अंग उगाड़े ला गया। अब जो अंग है, जो शरीर के अंग है, उन अंगों पर वो लग जाती है, चाहे मूठ है वो भी लगती है, और शरीर सदगुरु के द्वारा छोड़ा हुआ बाण है ना, वो भी सीधे शरीर पर जाके लगता है, तो अंग उगाड़े ला गया, गई दवा सी फूट, जैसे दवा कोई दी जाती है और दवा जैसे ही देने के बाद फूटती है, अर्थात अपना प्रभाव चालू कर देती है ना, ठीक उसी प्रकार गुरुदेव के द्वारा सीधे लक्ष्य पर पहुंचाई जाने वाली दवा है शब्द रूपी ज्ञान की, जैसे ही कलेजे में लगी और कलेजे में लगते ही उसको क्या हो गया, ज्ञान हो गया, अर्थात गुरु जी का जो संस्कार है, गुरु जी के द्वारा दी हुई जो ज्ञान है ना, उस ज्ञान का उसको महसूस हो गया कि गुरु जी ने मेरे ऊपर लक्ष्य साध कर अपने ज्ञान को छोड़ा है, और फिर वो अपने ज्ञान को ग्रहण कर लेता है, ये बात ठीक है।